कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोई में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप भी सोचेंगे कि भाई आज ये शुरुआत हमारी कैसे हुई है, तो भाई यही चीज तो आज हमारी ट्रेंडिंग में है। तो रसोड़े को ट्रेंडिंग के अंदर इतने लोग लेकर के आ चुके हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी बोला, सर इस पर कुछ ऑडिट का फंडा लगा दिया जाए। तो हमने कहा चलो भाई क्यों ना कर दी जाए रसोड़े की ऑडिट, यानी कि यहाँ हर एक लाइन में ऑडिट का एक पंच आपको मिलेगा, ऑडिट की एक बात आपको मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ ऑडिट में हर एक लाइन के अंदर छुपा है। तो आपके सामने बहुत जल्दी से छोटा सा पेश है रसोड़े की ऑडिट, और हम सुनते हैं, देखते हैं इसकी पहली लाइन जो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। इससे ये समझ में आता है कि ये जो हमारी कोकिला बहन है भाई, ये ऑडिटर है, समझ रहे हैं, हमने इनको मान लिया है ऑडिटर, और ये ऑडिटर दोबारा नहाने के लिए गई, यानी कि प्रोफेशनल बिहेवियर इनमें कूट कूट कर भरा है। किस तरीके से एक प्रोफेशनल बिहेव करता है, किस तरह से वो संभल करके रहता है, किस तरीके से काम करता है, वो इनमें भरा है कूट कूट कर। तो ये कंसेप्ट आया हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर सबको फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद आगे ऑडिट की कहानी बढ़ती है कैसे, आइए सुनते हैं अगली लाइन। और अगली लाइन सुनिए, हाँ जी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? अब इसका मतलब कोकिला बहन ने रसोड़े में जाकर के देखा है कि हाँ भाई जो कुकर है वो खाली है। देखा, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन। यस बच्चों, ऑब्जर्वेशन आप लोग सब जानते हो, ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑब्जर्वेशन का। और खास करके जब आप पढ़ते हैं ऐसे 501 और जब इन्वेंटरी का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि वहां आपको देखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करना पड़ता है मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, स्टॉक टेकिंग कैसे हो रहा है, और अगर कहीं पे लगता है झोल तो फिर हम करते हैं इंक्वायरी। फिर वो इंक्वायरी चाहे करनी पड़े मैनेजमेंट से करनी पड़े, चाहे एम्प्लॉय से करनी पड़े, और पहले ही हम ऐसे में यानी कि हमारे 210 एंगेजमेंट लेटर में ही ये फाइनल कर चुके होते हैं कि भाई हमको आप लोगों तक, आपके लोगों तक यानी क्लाइंट के एम्प्लॉइज तक एक्सेस करने दोगे, और जरूरत पड़ी तो हमको इंक्वायरी भी करने दोगे। तो यहाँ हमारे दो पॉइंट कोकिला बहन ने काम में ले लिए, यानी ऑब्जर्वेशन भी और साथ में इंक्वायरी भी। और फिर आखिर आगे क्या बात हुई, आइए देखते हैं। कौन था? और ये आया नाम की, कौन था और नाम क्या आया, क्या आया नाम? राशि। यार सुनते रहिए, यस, कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, यानी कि दिखाने के लिए कुकर दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, यानी अंदर से गायब हो चुकी है चीजें, यानी कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स या कुछ हो सकता है। ऐसे 240 हमारा फ्रॉड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो कहता है भाई कि एम्प्लॉइज ने, मैनेजमेंट ने एसेट को गायब कर दिया है, कुछ वहां से गायब हो चुके हैं, यानी कि कुकर से चने गए और लोगों को दिख रहा है सिर्फ वो खाली कुकर, यानी लोग ये सोच के बैठे हैं कि इसके अंदर चने पकड़े होंगे लेकिन अंदर तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, यानी हमारे फ्रॉड के सारे केसेस यहीं से तो कनेक्टेड हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन हो चुका है, कुछ गायब हो चुके हैं और आपको दिख रहा है सिर्फ खाली कुकर, और वो जो खाली कुकर गैस पे रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ नहीं, यानी कि
मैनिपुलेशन हो चुका है, खाली विंडो ड्रेसिंग है, देखने को उसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन एक्चुअल में सब कुछ है खाली। तो बच्चों यहां आकर के हमारी लाइन खत्म होती है, यानी कि आखिरी दो लाइन वापस से सुन लेते ना भाई, क्योंकि यहाँ इतनी जितनी लाइन थी वहां तक की हमारी ऑडिट स्टोरी, हमारे ऑडिट के पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो सुनते हैं कि वापस से क्या कहा राशि थी, उसके बाद क्या कहा, सुनिए। तो चलिए बच्चे लोगों, छोटी सी बात थी, थोड़ी सी फन स्टोरी थी, फन के साथ हम लोगों ने बात कर लिया कि हमारे ऑडिट के कितने सारे पॉइंट्स कवर हो गए। प्रोफेशनल बिहेवियर भी आ गया, ऑब्जर्वेशन भी आ गया, इंक्वायरी भी आ गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और गुड्स भी हो गया, और मैनिपुलेशन और विंडो ड्रेसिंग भी हो गई। तो छोटी सी फन की बात थी। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग कर लेते हैं पढ़ाई के साथ में काफी सारा फन भी, और अगर आप इसी तरह से खूब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई के साथ में मस्ती और फन भी चाहते हैं, तो जरूर मेरे साथ में जुड़िए अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, और वहां ग्रुप सेकंड का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और मुझसे वहां पर करिए मुलाकात। जी हाँ, वहां पे आप मुलाकात कर सकते हैं मुझसे यूट्यूब पे भी। और अगर आप डाउनलोड करते हैं अन अकेडमी का ऐप, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री है दोस्तों, वहां पे आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जहां बहुत धमाल तरीके से सबके साथ मिल करके तैयारी कर रहे हैं ऑडिट की। तो ये थी आज की बात, फिर आपसे ऐसी किसी फन कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।